हे गाइस वेलकम बैक। और आज हमारा व्लॉग बहुत स्पेशल है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आप सबके लिए। जिस गाड़ी की डिलीवरी का हम वेट कर रहे थे तो आज हम उसकी रिसीविंग करने जा रहे हैं और गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो बस देखना व्लॉग में, बहुत मज़ा आएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी लेने जा रहे हो तो उसमें क्या क्या आपको नोटिस करना है। और दोस्तों मेरी सिस्टर है, मेरी मदर है साथ में, पापा आए नहीं है, पापा को छुट्टी मिली नहीं। एक्चुअली अप्लाई तो कर रखी थी उन्होंने 1.5 महीने पहले ही, लेकिन वो नहीं मिली, फोर्स में ऐसा हो जाता। ठीक है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। अभी हम ऑटो करेंगे और फिर आगे देखते हैं। तो गाइस अभी ऑटो ले लिया है और ये है मेरी सिस्टर और ये मम्मा, सभी चमक रहे हैं, खुश है सारे। अब चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको यार शोरूम में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो गाइस फाइनली हम गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए शोरूम में पहुँच चुके हैं और पीछे देख सकते हो उनके एम्प्लॉयज जो हैं, हमारे सुमित भाई, वो पूरी अभी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सेसरीज जब आप आओगे, जो जो आपने एक्सेसरीज ली होंगी उनको लगाएंगे, टाइम लगता है, पेमेंट्स, वारंटीज़ और इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, अभी जस्ट मैं पहुँचा ही हूँ और फॉर्मेलिटी शुरू कर दी गई है। जो छोटी मोटी बची हुई पेमेंट्स थी वो भी अब मैंने कर दी है। अब देखते हैं कितनी देर में गाड़ी मिलती है। अभी तो फिलहाल मैंने भी गाड़ी देखी नहीं है, बट जैसे ही देखूंगा सबसे पहले आपको भी दिखाऊंगा अभी वीडियो में। ठीक है, तो देता हूं मैं आपको अपडेट, बस जुड़े रहो। सो नेहा एक्साइटेड है। yes. और मम्मा आप डरे क्यों हो? तो गाइस जब तक बोर हो रहा था मैंने सोचा सेल्टोस ही देख लेते हैं। वैसे अगर मैनुअल तो ये भी आई जाती है यार, जितनी की हमें सोनेट ऑटोमेटिक पड़ी है उसमें बेस मॉडल तो मिल ही जाता सेल्टोस का। तो गाइज आज वैसे ना बहुत सारे लोग डिलीवरीज लेने आ रखे हैं गाड़ी की, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, यानी कि बैसाखी का दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपनी डिलीवरीज रखी आज, यानी कि उनको मेरे को सुमित ने बताया कि 15 गाड़ीज की डिलीवरीज आज ही हैं, तो अच्छा दिन है, हम भी इसीलिए आज ही आए हैं। वैसे तो पापा अगर आते तो हम संडे को आते लेने, यानी कि आज से 2 दिन बाद, बट पापा की छुट्टी कैंसिल हो गई तो हमें ही आना पड़ा। मैं और ये देखो मुँह छुपा के बैठी है, चलो मैं दिखाऊंगा नहीं, दुख होगा ना, भाई गाड़ी ले रहा है तो इसी चीज का। A few moments later. तो गाइज अभी भी 40-45 मिनट हो चुके हैं लगभग और कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी है, बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं कब बुलाएंगे। तो गाइज अब हमारी फॉर्मेलिटीज हो गई, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए, अब चलते हैं नीचे गाड़ी की तरफ। गाइस अब मैं फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ आपको अपनी गाड़ी का, रुक जाओ बस एक मिनट। तो गाइस देख लो यार, मैंने भी अभी देखी आते ही, और ये रही तैयार कर दिया, नंबर भी लग गया है, साइड लुक देख लेते हैं एक बार। दोस्तों इस बिजनेस में ना डीलरशिप जो होते हैं ना, वो जो शोरूम्स होते हैं बहुत ज्यादा घपले कर देते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने इंजन नंबर, चैसी नंबर मैच कर लिया था। तो गाइज अब पीछे गाड़ी खड़ी कर दी है, अब बस करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो गाइज अभी पापा को भी कॉल कर लिया था और पापा को भी दिखा दिया वीडियो कॉल करके कि गाड़ी हमने रिसीव कर ली है। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं और उन्होंने कहा कि आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कंपनी की तरफ से, तो गिफ्ट लेने जा रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ भाई क्या गिफ्ट मिलने वाला है, ये भी एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। तभी इन्होंने बोला यार अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा स्ट्रगल। हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, ये तो -1 पे आ गए, अब वापस थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, वहां पर बैठेंगे, फिर गिफ्ट आएगा, फिर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको भी गिफ्ट मिला तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। 16 लाख की गाड़ी ले ली है लेकिन गिफ्ट के लिए सब बैठे हैं और डिस्कशन चल रहा है ऊपर से कि कुछ अच्छा गिफ्ट देना। एक्साइटमेंट तो रहती है ना, आप चाहे आप करोड़ों का घर बना लो पर गिफ्ट जब मिलता है तो गिफ्ट होता है ना, अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। और तो गाइस इंतजार करने का फल मीठा होता है, वो तो सुना ही था और आज आपको मैं दिखाता भी हूँ। तो ये देखो, और ये है किया जयंती शोरूम की तरफ से केक, तो चलो कट करते हैं फिर। Thank you.
तो भाई इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें इंक्लूड करी हैं, जैसे कि इसके फीचर्स और क्या क्या चीज़ें आपको डिलीवरी के समय ध्यान में रखनी है वो मैं सेकंड पार्ट में डालूंगा। और अगर कोई शुभ काम कर रहे हो तो घर में अपनी पहले माँ या अपनी बहन या अपनी बेटी से करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए नेहा ने ये गाड़ी मतलब थोड़ा सा चलाई और उसके बाद फिर मैं ही गाड़ी को लेके आया हूँ। एक्चुअली उसका लाइसेंस नहीं था तो इसलिए इस गाड़ी को मेरे को ही लेके आना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट टू में, जिसमें मैं आपको फीचर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा।